बौरा गाँव में गोटे छोटिया स्कूल थिला। यह हूँ अधिक पुरुणा स्कूल अवस्था बहुत खराब थिला। पिलांकर बस्तीबार बेज भांगी जाइथिला आउ सेथिरे उई लागि जाइथिला। ब्लैक बोर्ड मध्य फाटी जाइथिला। ता सहित वर्षा ऋतु रे स्कूल रो छात्रो पानी मध्य गळुथिला। पिले जल्दी निजर होमवर्क चेक करि दियो, एबे वर्षा हेबा को जाउची, नले तमरो कॉपी सब ओदाई जिवो। वर्षा रे खाता ओदा होई जिवा डर रे सब स्टूडेंट्स निजर होमवर्क चेक करैबा पई टीचर को पाख को जानती। टीचर सब पिलांकर होमवर्क चेक करंती आउ तांको नुवा होमवर्क देई घर को पठाई दियंती। ठीक अछि पिले, काली समस्त निजर होमवर्क करि नै आसिबो, आउ एबे सीधा घर को चली जाओ। किए भी मते रास्ता रे बुलुथिबार जेपरि देखा जीवनी, कारण जोरे वर्षा बेगु जाउची आउ वर्षा रे ओदा होई जिबे तेबे देह खराब होई जिवो। ठीक अछि मैडम, आमे सब सीधा स्कूल रु घर को चली जिवो। सब पिला माने घर को चली जांती आउ सेमान को जिबा परे मैडम मध्य स्कूल रु सब कबाट एवं झरका बंद करी ताला लगाई दियंती आउ निज घर को चली जाती। समस्ते चली जीवा पोरे जोर रे वर्षा आरंभ हो जाए आउ ता सहित झड़ तोफान मध्य आसे। झड़ तोफान कारण रु स्कूल भांगी जाए तले पड़ी जाए। आगामी दिन जबे मैडम आसी स्कूल को देखंती तबे सी देखंती जे स्कूल संपूर्ण रूपे भांगी जाई छी। गला एबे एहा देखिबा को बाकी रह जायतिला। कोनसी प्रकार कष्ट मस्ते आमे स्कूल रे काम चलाउथिलु, एबे तो ताहा भी रहलानी, एबे पिलांकू किपरि पढ़ाइबी। टीचर गाँव मुखियांको पाखकु जायंती आउ तांकु ए विषय रे कहंती। मुखिया बाबू, आमर स्कूल तोफान कारणरु भांगी जायछि, आमको स्कूल पाए नुआ बिल्डिंग दरकार अछि, कोन आपण आमको किछि साहाय्य करि परिबे? मो पाखर त एते गुडी पैसा ही नाही जे मु नुआ घर तयारी करि परिबी, किंतु आमे सरकारंगु स्कूल तयारी करिबा पाए दरखास्त देइ परिबा। आपण एक दरखास्त लिखि दियंतु, मु सेतरे साइन करि गाँव प्रधानंको मोहर लगाई सरकारी कार्यालय रे जमा कराई देबी। ठीक अछि? टीचर स्कूल रो घर तयारी करबा पई एक दरखास्त लिखि मुखिया को दियंती। मुखिया सेतरे प्रधानंको मोहर लगाई ताकु पाखर थिबा सरकारी कार्यालय रे जमा कर दियंती। किछि दिन परे जणे इंजीनियर स्कूल रो नक्शा तयारी करबा पई सेई जगार अनुसंधान करबा पई गाँव को आसे। ए नियंतु मैडम, मु नुवा स्कूल रो नक्शा तयारी कर दिछि, मुएर एक कॉपी ऑफिस रे जमा कर देबी, जपरि सरकार को तरफ रो बजट पास हेबो नुआ स्कूल तयारी हेबार काम आरंभ होई जिवो। टीचर को नुआ स्कूल रो नक्शा देबा परे इंजीनियर सेठारु चली जाए और सरकारी ऑफिस रे स्कूल रो नक्शा को दे दिए और सरकारी ऑफिसर एई विषय रे कोनसी भी ध्यान दियंते नै और बहुत दिन कटि जिवा परे मध्य स्कूल तयारी हेबार काम आरंभ हुए नै। अनेक मास अपेक्षा कलु, एबे तो गोटे वर्ष हेबा को आसिलानी, ए पर्यंत नुआ स्कूल तयारी हेबार कोनसी संकेत भी मिलुनी। मते तो जमा लागुनी जे सरकार आमो पई स्कूल तयारी करि देबे। टीचर ए विषय रे इंजीनियर को सहित कथा हेबा पई तांको ऑफिस को जानती। आसंतु मैडम बसंतु, मु आपन को पाखो को ही आस्थुली। सर, आमो स्कूल रो बिल्डिंग रो काम केबे ठु आरंभ हेबो? गोटे वर्ष बीती सारलानी, पिलांको भविष्य तो अछि एथिरे। एबे मु आपन को कोन कहिबि मैडम, मु तो सेई दिन नक्शा दे दैथिली, ता भी पास हे जैथिला। सरकार गड़ तरफरु जे स्कूल तयारी हेबा पई बजट आस्थिला, सेई पैसा को सरकारी ऑफिसर माने खाई देले आउ कागज रे एहा लिखाई देले जे स्कूल तयारी हि सारिछि। अच्छा, तेबे एही कथा सरकारी ऑफिसर गड़ थारु आशा कोन भी करा जाई परिबो? ए माने तो पिलांको भविष्य को मध्य छाडिलेनी, अति कम रे ई स्कूल रो पैसा को तो छाडी दिथांते, बिचारे पिलांकर भलो हि जाईथांता। मुख्यमा चाहूँ मैडम, आपण पिला भविष्य तो खराब हो गला, किंतु एथिरे मोर कोनसी भी भूल नहीं, मु तो मोर काम कर दे थिली। नाही, मु एते सहजरे पिला भविष्य खराब होबा को देई पारबिनी। स्कूल रो बिल्डिंग तयारी हेलानी तबे कोन हेला, मु गच्छ तळे बसी पिला मानको पढाइबी, किंतु मु सेमानक पाठ पढा को बंद हेबा को देबिनी। आगामी दिन टीचर सब पिलांकु एक बहुत बड़ गच्छ तले पाठ पढ़ाइबा आरंभ कर दियंती। सब पिले निजर एपरी क्लास रे बहुत खुशी थिले, सेतबेले हठात वर्षा आरंभ हो जाए आउ पिलाय वर्षारु बंचिबा पई एपटे सेपटे दौड़ीबाकु लागंती। अरे कुआडे सब जाउछो, आराम रे जाओ पिले, वर्षा रे गोड़ खसी जिवो। किछि पिलाय पाखरे थिबा गोटे खराब रिक्शा भितरे बसी जायंती, मैडम मध्य रिक्शा भितरकु चली जायंती आउ आगरे ड्राइवर रे सीट रे बसी जायंती, पिलांकु पढ़ाइबाकु लागंती। एहा तो हमको भलो जागा टे मिलि गला पिले, आमे माने एटी बसी भी पाठ पढ़ी परबा। किंतु मैडम, ए रिक्शा रे तो केवल आमे चार जन ही पाठ पढ़ी परिबू, बाकी पिला माने की परी परिबे? ए बिषय रे किछि भाबी बाकु पड़िबो, मु कोनोसी उपाय बाहर करूची,
तमे आजि मैथ्र लेसन कम्प्लीट कर आउ घर को चली जाओ मु काली निश्चय नुआ स्कूल रे व्यवस्था कर देबी। सब पिला माने घर को जिबा परे मैडम जने रिक्शा मैकेनिक को पखु जानती मते पिलांगो पई एको नुआ स्कूल तयारी करिवार अछि कोन तमे मते सहायता करि परिबो। मु हेउछि रिक्शा मैकेनिक मैडम कोन से बिल्डिंग तयारी करिवा मिस्त्री नुहे जे आपन को पई स्कूल तयारी कर देबो। मते रिक्शा रही स्कूल तयारी करिवार अछि पत्थर र नुहे एथि पई त तम पाखु को आसी छि रिक्शा र स्कूल किंतु कि परि मु ना आज पर्यंत रिक्शा र स्कूल सुनि छि ना देखि छि प्रथम थर आपण पाठी ही शुणा को मिलूँ। मैडम मुझे जो गरीब लोक यह देखी आपण मो सहित थट्टा तो करना ना जदि आप थट्टा करना तेज आपत निजे ही कही दिंतु जो रिक्सार स्कूल किपर या देख से बहुत दिन है कि खराब रिक्सा पड़ी कौन तुम से सब कुछ जोड़ी एक एपर रिक्सा स्कूल या जो थी मोर सब पा एका सांगे बस पढ़ी पारे। अच्छा तेज एपरी कथा आपण मत प्रथम कहीं कहलेनि यह तो मुझे भल भाव करी आपण केवल मोर चमत्कार देखि चलतु मुबू रिक्सा को जोड़ी करी एपरी एक स्कूल यादेवी जे आप आश्चर्य होबे एवं से मेकानिक सब खराब पड़ा रिक्सा को गोटे जगार एकाठी कै वेल्डिंग कर सब कुछ जोड़ी दिए नियंतु मैडम आपण रिक्सा स्कूल चकाचक हो प्रस्तुत हो गला आ पढ़ाइवा को ब्लाकबोर्ड भी फिट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद तमरा जहाँ भी बिल है तमें दे दियो मते मु तमको ता दे देबी। किपरि कथा कहउछन्ती मैडम आपण आपण पिलार भविष्यत पई एते सब किछि करउछन्ती आ मु एतिकी काम भी फ्री रे करि परिबि नि कि आ पुनी मोर झियो सुधा को आपण ही पढ़ाउछन्ती ना। ठीक अछि ताले मु एबे जाउछि पिलांगर स्कूल ला टाइम हे गलाणी। एबे टीचर रिक्सा स्कूल रो ड्राइविंग सीट रे बसी ताको चलाइबा को लागंती आ पिलांगो घर को जाई सेमानंकु सेठरु नै आसंती जणे महिला को रिक्सा चलाउथिबा देखि लोके ताको थट्टा करिबाकु लागंती किंतु टीचर सेमानंकु कथा उपरे कोनसे भी ध्यान दियंती नै। अरे सेपट देखो जणे महिला रिक्सा चलाउछि एबे टीचर सबु पिलांकु तांको घरु नै आसंती आ समस्तंकु रिक्सा स्कूल भितरे बसे पढांती आ छुट्टी हेबा द्वारा समस्तंकु घरे नै छाड़ दियंती सबु पिला भी मन लगाई पाठ पढंती आउ एग्जाम रे टॉप करंती। एही देखो पिला माने आम स्कूल विषय रे न्यूज़पेपर रे आर्टिकल छपी छि समस्ते टॉप करछंती एथि पई सबु स्टूडेंट्स को नुआ क्लास पई शुभ कामना। एबे एही कथा सब जगह रे प्रसारित हो जाए जे जणे टीचर स्कूल नथिबा कारण रु रिक्सा रे बुली बुली पिलांकु पढाउछंती सरकार को कान जेबे एही कथा पहुंचे तेबे सरकार से लांच खाइथिबा अफिसर को चाकिरु बाहर कर दियंती जो मैंने स्कूल बिल्डिंग रो पैसा खाई जाई थिले आ टीचर को तंकर एही नुआ काम पई अवार्ड दे सम्मानित करंती। नागपुर रो गोटिए छोटिया गाँव रे हर्ष रहुथिला हर्ष निजर माता पिता सहित रहुथिला हर्ष रो बापा गोटे गरीब कृषक एवं माँ दरजी थिले दुहे निज निजर काम कर घर चलाइबा को चेष्टा करुथिले हर्षर पाठपढ़ार खर्च जोगु दुहे बहुत चिंतित रहुथिले। मते मोर हर्ष पाई बहुत अधिक चिंता होची तार पाठपढ़ार हर्ष एबे बड़ ही गलानी आउ जदि ताकु आमे स्कूल रे दाखल करैबानी तेबे बहुत बड़ असुविधा हिजबो। मु मोर पूरा चेष्टा करुचि तुमे जानिछो आमर हर्ष पाठपढ़ बहुत भल बहुत बुद्धिमान भी अटे एबे टुई ताकु गुणन हरण आउ इंग्रजी पढ़ा भी आसीगलानी आमे काल सकाळ ताकु नी गोटे बड़ विद्यालय को जीवा आउ सेठी ताकु एडमिशन कराइबा ता परदिन सकाळु हर्ष को नहीं कुसुम आउ रामनारायण गोटे बड़ विद्यालय को जाती रामनारायण सेठर सुंदरता देखी आश्चर्य हो जाती। माँ कौन मु यही स्कूल रे पढ़ी बिल्कुल पुओ तू यही स्कूल रे ही पढ़ु एठी पढ़ी तू बहुत बड़ लोक हेबु आउ एमिति ही अनेक गुडी स्कूल तू तयारी करबु। मते तो बहुत व्यतिव्यस्त लागुछि आमको बदे बेसी पैसा भरिबा को पड़िबो। अरे तमे चालो भीतर को सेठा को जाई देखिबा तो आमे सेठा को जीवा मात्रे गेट रे थिबा चौकीदार तांको सेठी अटकाई दिए रह जा कुआड़े जाउ छ तमे बिना कहार अनुमति रे आ कथा कोन की मु पुओर एही स्कूल रे एडमिशन करबा को आसी छि। एडमिशन ताबी एठी लागुचे तमे निजो को केबे ठीक रे देखिन एटा को केवल धन लोक मान को पुआ आसंती आउ तमको देखि कर त लागुचे तमे केउठी असना सफा करथिबो। ए आपण केमिति कथा कहउचंती
ମୋର ପୁଅ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ହୁସିଆର। କୃପା କରି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅପମାନ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ନା, ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ମୋର ବାଡ଼ିର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୌକିଦାର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଗାଳି କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲାବେଳେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାମନାରାୟଣ ଆଉ ତାର ପରିବାରର ଦଶା ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଚୌକିଦାର ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନି, ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ନିଜ କାମ କର, ମୁଁ ଦେଖିନେବି ଏସବୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜି ମ୍ୟାମ୍, ଇଏ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ପିଲାଟା ବହୁତ ହୁସିଆର ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। କୁହନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଦୀନ ଦୟାଲ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଶିଖାଉଛୁ ଆମେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ରହିବ। ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ କହିବେ ସେତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ରାମନାରାୟଣର ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖି ଲୋଭରେ ଖୋଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା। ନିଜର ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ପଇସା ଆମେ ନେଇଯିବା। ଏହା ବି କ'ଣ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ସେଠାରୁ ପଇସା ଆସିବ ତେବେ ତ ଯାଇ ଆମର ପିଲା ଓ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଯେତିକି ଲୁଟି ପାରିବ ଲୁଟି ନିଅ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 25,000 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ 50,000 ଦେବା ପାଇଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣ ହଁ କରିଦେବେ। ରାମନାରାୟଣ ତମେ 50,000 ଆଣି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେବୁ। ମାଲିକ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ମିଳିପାରିବ କି? ଦେଖ ଯଦି ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦାଖିଲା କର, ନତୁବା ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଅ, ଯେବେ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆସିବ। ରାମନାରାୟଣ, କୁସୁମ ଆଉ ହର୍ଷ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାପା, ମୋର ବୟସରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଭଲ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ପୁଅ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋତେ ହର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, 50,000 ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ନିଜ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଯଦି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ରାମୁ କାକାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରାମନାରାୟଣ ଆଉ କୁସୁମ ରାମ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାମଦାଦା କହନ୍ତି, ତମେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଆମର ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ପଢ଼ାଇ ଦେଉନ? ଆମ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ଆମର ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗାଁରେ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି, ଏଥିପାଇଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନେଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁହେଁ ମୋ ସହିତ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଗାଁରେ ହିଁ କିଛି ଦେଖାଇବି। ରାମୁଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଅ, ତମକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି କୁସୁମ ଆଉ ରାମନାରାୟଣ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଜରକୁ ଆସେ ଯାହା ପୁରା ସୁନାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପାଠଶାଳାରେ ସୁନାର ଘଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସୁନାର ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼, ସୁନାର ବେଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି କୁସୁମ ଏବଂ ରାମନାରାୟଣ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ରାମ କାକାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏସବୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆମର ଗାଁରେ ସୁନାର ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏହା ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ଅଛି? ସେତେବେଳେ ରାମଦାଦା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡରି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଏଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବନି। ମୋର ବାପା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଧରିନେଲେ। ତୁମେ ମାଳି ମଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଆମର ଭଳି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛ, ତମକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଲୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଢ଼ାଉଛ, ଆମଠାରୁ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ମୁଁ କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ତମେ ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁରା ନାଗପୁର ଗାଁରେ ଯେତିକି ବି ସୁନା ଅଛି ତମେ ଆମକୁ ଆଣିକରି ଦିଅ, ଆଉ ତୁମର ଏହି ଗନ୍ଦିଆ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସୁନା କେବେ ବି ଦେବିନି, ସବୁ ସୁନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚାଇ ଦେବି ଆଉ ନିଜର ଅଲଗା ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବି। ସେହିଦିନଠାରୁ ନେଇ
आज पर्यंत आम नागपुर गाँव रोके सुनार स्कूल को गुप्त रूप से चलाउछु। हे भगवान, तेबे प्रकृत कथा हा कौन आपण मोर पुओ को मध्य सुनार स्कूल रे दाखिला देबे? दया करंतु दामु दादा, मोर पुओ को शिक्षा रे बहुत जरूरी अछि। मु तुमर पुओ को एही विद्यालय रे सेतेबेले एडमिशन देबी जेतेबेले तुमे शहरर विद्यालयर रहस्य खोलिबो। सेही लोक माने आम गाँवर बहुत लोकंकु ठकिछंती, तांकु धरिबाकु पडिबो तुमकु। आमे बिल्कुल एमिति ही करिबा, तांकु शास्ति निश्चय देबा। एथि पई आमकु गोटिए प्रमाण देबाकु हेबो। तुमे तार चिंता करनी, जेतकि पैसा से लोक माने मागिछंती सेतकि पैसा नै करि तुमे जाओ। मु तुम पछरे पुलिस को पठाउछि, सेतेबेले तांकु आमे सेहिटि धरि नेबा। तापरे रामनारायण एमिति ही कले, से मैंने पैसा नहीं सही महंगा विद्यालय को चली गले। आउ रामनारायण प्रिंसिपल को कहले, आज्ञा आई नियंतु आपण को पैसा पूरा 50,000 अछि। हाँ हाँ, आण आण, मत प्रथम रु जनाथिला जे तमे निजर पुओ को आम पाखरे ही पढ़ाइबो। अरे एते भलो स्कूल दाइटा आउ से गाँव पाठशाला रे केमती पढ़ी पारिबो? आण मत पैसा दियो। जेमिति ही रामनारायण पैसा से प्रिंसिपल को देले, सेमिति पैसा नेबा मात्रे सेठाकु पुलिस वाला आसीगले आउ तांकु धरि नेले। तुमको आमे जेल रे भलो शिक्षा देबु। मु आउ मोर स्वामी परिश्रम करी दिन राती लोकंक घरे काम करी निजर पिला को पाठ पढ़ाइबाकु चाहुचु, आउ तमे जणे तमको लाज ही लागुनी। प्रिंसिपल आउ से शिक्षक तुहे धरा पड़ी गले। आउ एपरि भाबरे हर्ष निजर सुनार विद्यालय रे निजर पाठ पढ़ा पूरा कला।